नमस्कार, हुकूमत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भूपेंद्र दुबे। सोनभद्र की हुई घटना के बाद सूबे की सियासत में मुद्दों की गर्माहट ने राजनीतिक तपिस को बढ़ा दिया है। विपक्ष ने सोनभद्र की घटना पर सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेर रखा है और सरकार के बचाव में खुद अब योगी आदित्यनाथ उतर आए हैं। सोनभद्र की घटना में जवाहरलाल नेहरू सरकार में हुई आवंटित नीति सीएम योगी के सवालों में था और सियासत में अब एक बार फिर नेहरू का नाम आने के बाद भूचाल आना लाजमी है। हुकूमत में हम आज आपको दिखाएंगे सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष के संग्राम को, सीएम योगी आदित्यनाथ के विरोधियों पर पलटवार और बीएसपी के आरक्षण वाले राग को भी। बड़ी घटना है, क्या कहेंगे उसको? मानवता कहीं ना कहीं शर्मसार हुई है। बिल्कुल शर्मसार हुई है, बिल्कुल। किसको दोषी मानती है? बिल्कुल देखिए, ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। इसमें 10 लोगों की हत्या की गई है एकदम निर्मम तरह से। 6 लोग अस्पताल में हैं, एक 17 साल का बच्चा है, उसको गोली लगी है यहाँ। उसकी माँ अगले पलंग पर लेटी हुई है, उसकी माँ के सर पर ईंट से मारा गया है, लाठी मारी गई है, हाथ टूटे हुए हैं उसके। तो ये स्थिति है, तो बहुत ही बुरी स्थिति है। शासन प्रशासन को पूरी तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। जो उनकी मांगे हैं 25 लाख रुपए का अनुदान, और जिस ज़मीन पे वे पुश्तों से उस ज़मीन को जो जोत रहे हैं, उनको उसका हक मिलना चाहिए, मालिकाना हक मिलना चाहिए। बड़ी बात प्रियंका जी, जैसे ही पता चला कि आप बनारस आ रही हैं, यूपी सीएम ने पीसी करके कार्रवाई की बात कही, क्या ये डर था प्रियंका का? वो तो उनसे पूछिए आप। लेकिन अगर इतना भी डर मैं पैदा कर सकती हूँ कि किसी की मदद हो जाए, कि जिनकी हत्या हुई है उनके परिवारों की मदद हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। अगला कदम क्या होगा? यहाँ 6.5-7 जब उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं है। मैं बार बार सुबह से पूछ रही हूँ कि मुझे कुछ कागज़ दिखाइए, किस आधार पर मुझे यहाँ रखा है? आपने मिर्ज़ापुर जाने नहीं दिया, किस आधार पर रोका? कौन सा कानून है? अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया गया है। जब मुझे बताएंगे तब मैं आगे की कार्रवाई तय कर सकती हूँ। नरसंहार वाले गांव में जाएंगे? देखिए, ये जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, ये इस पर निर्भर है कि आगे क्या होगा। मैं इतना कहूंगी कि बगैर उन परिवार के सदस्यों को मिले मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। जैसा कि प्रियंका जी ने कहा कि उन्होंने प्रण किया है कि बिना घोरावल में नरसंहार पीड़ित परिवार से मिले वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। कैमरा पर्सन नीरज जायसवाल के साथ संतोष जायसवाल, भारत समाचार, मिर्जापुर। सत्ता के लिए विपक्ष का नया राग, सदन से लेकर सड़क तक संग्राम, सरकार विपक्ष में वार पलटवार, सोनभद्र ने डाली विपक्ष में जान, विरोध के सहारे हुकूमत की तैयारी, सियासत का नया रंग। देश की सियासत में उत्तर प्रदेश एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा की वजह है सोनभद्र में हुई 10 लोगों की हत्या, जिसको लेकर अब यूपी विधानसभा में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के विधायकों ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को उठाते हुए बिल के पास जाकर जम के नारेबाजी की। देखिए ये रिपोर्ट। सोनभद्र कांड पर विधानसभा में संग्राम, विपक्ष के विधायकों का सदन में हंगामा, वेल के पास पोस्टर लेकर की नारेबाजी, मॉनसून सत्र में तल्ख विपक्ष के तेवर। सोनभद्र हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। सदन से लेकर सड़क तक सोनभद्र हत्याकांड को लेकर शोर सुनाई दे रहा है। यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सोनभद्र जिले के उम्भा गांव में हुए नरसंहार के मुद्दे पर सदन में विपक्ष के तेवर तल्ख दिखे। खूनी संघर्ष के मामले में विपक्ष में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को फेल बताया। शुक्रवार को सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे ही सोनभद्र की घटना की जानकारी देने के लिए सदन में खड़े हुए, उसी बीच विपक्ष के विधायकों ने सदन के अंदर सरकार के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया।
सदन में विपक्ष के विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सदन में सीएम योगी ने सोनभद्र कांड की पूरी जानकारी विधानसभा सदस्यों को दी। प्रदेश सरकार द्वारा जांच रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। इस समिति में प्रमुख सचिव श्रम तथा विंध्याचल मंडल मिर्जापुर के आयुक्त को सदस्य नामित किया गया है। यह समिति राजस्व अभिलेखों की गहनता से जांच करेगी। सोनभद्र की घटना को लेकर विपक्ष सीएम योगी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। विपक्ष के विधायकों ने सदन में ही वेल के पास पोस्टर लेकर नरसंहार का विरोध करने लगे। हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित हंगामा कर रहे विधायकों से अपनी सीट पर उन्होंने लगातार बैठने को कहा, लेकिन राम गोविंद चौधरी ने पहले विपक्ष की बात सुनने की बात कही। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को 40 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया। सोमवार 11 बजे तक के लिए मैं निर्देशित करता हूं कि आप बैनर अपने कार्यालय में रखकर यहां पर कार्यवाही करें। सीएम ने सोनभद्र की घटना के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। सीएम योगी ने विवाद की जड़ कांग्रेस से जुड़ी बताई। सीएम योगी ने कहा, मामला 1955 से विवाद में चल रहा है। सोसाइटी को जमीन गलत तरह से ट्रांसफर की गई। सोसाइटी ने जमीन एक व्यक्ति विशेष को दी और ये सारी गड़बड़ी प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय हुई थी। समिति द्वारा प्रदेश शासन को उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के अनुसार यह प्रकरण वर्ष 1955 से चला आ रहा है। दोनों पक्षों के बीच कई मुकदमे हैं जो राजस्व न्यायालय में चल रहे हैं। सीएम योगी ने सोनभद्र की घटना पर गहरी जांच को जरूरी बताया। सीएम ने कहा, सरकारी जमीन को कागजी हेरफेर के जरिए हड़पने की कोशिश की गई है। शासन की जमीन को कब्जाने की कोशिश वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। इस प्रकरण में जुड़े राजस्व अभिलेखों की जाँच के लिए शासन द्वारा अपर मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। इस समिति में प्रमुख सचिव श्रम तथा विंध्याचल मंडल मिर्जापुर के आयुक्त को सदस्य नामित किया गया है। यह समिति राजस्व अभिलेखों की गहनता से जांच करेगी। बता दें, सोनभद्र में बुधवार को प्रधान यज्ञदत्त ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 200 लोगों को लेकर घोरावल थाना इलाके में उंभा गांव पहुंचा। प्रधान ट्रैक्टरों से खेत की जबरन जुताई करवाने लगा। ग्रामीणों ने विरोध किया तो प्रधान के समर्थकों ने उन पर फायरिंग करवा दी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। सोनभद्र की घटना के बाद यूपी में सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है, जो कब थमेगा ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सोनभद्र कांड के बाद विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया। सीएम योगी ने सीधे सीधे इस घटना के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया और कहा कि इस घटना की नींव 1955 में पड़ी थी, जब कांग्रेस की सरकार थी। सोनभद्र के विवाद के लिए 1955 से 1989 में तक कांग्रेस की सरकार दोषी है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। सोनभद्र कांड में सीएम ने संभाला मोर्चा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना पर दी सफाई। कांग्रेस की सरकारों में हुई थी गड़बड़ी, दोषियों के खिलाफ सख्त होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र कांड को लेकर अब सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। लगातार तूल पकड़ रहे मामले पर अब सीएम योगी खुद हरकत में आ गए हैं। विरोधियों के हमले से घिरी सरकार को बचाने के लिए सीएम योगी खुद आगे बढ़कर मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोनभद्र हत्याकांड पर दुख जताया और विरोधियों पर जोरदार हमला भी बोला। बुधवार को सोनभद्र में हुए नरसंहार के बाद लगातार योगी सरकार पर विपक्ष हमला बोल रहा था। विरोधियों के हमले का जवाब देने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब तक कार्रवाई का ब्यौरा दिया, साथ ही सीधे सीधे इस घटना के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। सीएम योगी ने कहा कि इस घटना की नींव 1955 में ही पड़ गई थी, जब कांग्रेस की सरकार थी। सोनभद्र के विवाद के लिए 1955 और 1989 की कांग्रेस सरकार दोषी है। जिस समय ये दोनों घटनाएं घटित हुई, ग्राम पंचायत की भूमि को और अन्य भूमि अन्य लोगों के नाम पर दर्ज भूमि को आदर्श सोसाइटी के नाम पर दर्ज करने, यह कार्य भी 1955 में होता है, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहती है। सोनभद्र के मामले में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैंने खुद डीजीपी को निर्देश दिया है कि वो व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन पर काफी समय से विवाद था। सीएम योगी ने सोनभद्र की घटना पर अधिकारियों की लापरवाही भी स्वीकार की। सीएम ने वाराणसी जोन एडीजी को पूरे प्रकरण की जांच कर 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है।
मामले में ग्राम प्रधान समेत अब तक कुल 29 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन इस बात में कि आपराधिक वादों में पुलिस की कार्रवाई कहां कहां शिथिलता बरती गई और कहां कहां पे पक्षपात हुआ है, इन सब प्रकरणों की जांच भी उनके द्वारा 10 दिन के अंदर करते हुए पूरी रिपोर्ट उनसे मांगी गई है, जिसमें आगे प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र नरसंहार पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन पर काफी समय से विवाद था। मामले में SDM घोरावल, CO घोरावल, SO घोरावल समेत हलका और बीट के सभी सिपाही निलंबित कर दिए गए हैं। साथ ही जमीनी विवाद की जांच अपर मुख्य सचिव राजस्व को सौंप दी गई है। CM ने कहा इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जांच में जो भी दोषी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसमें कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, हम लोग उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने भी शासन की भूमि को अवैध तरीके से या फिर गलत तरीके से उसमें अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करके अपने नाम से करने का प्रयास किया। बता दें कि बुधवार को सोनभद्र में जमीन के विवाद के चलते 10 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद से यूपी की योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के कटघरे में है। हालांकि मामले में CM योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। मामले में आरोपियों की धरपकड़ भी जारी है। ऐसे में सबको मामले की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सोनभद्र कांड पर यूपी में सियासत लगातार गर्मा रही है। जहां एक तरफ सरकार एक्टिव है तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे ने यूपी में मुर्दा पड़े विपक्ष में जान फूंक दी है। दरअसल कांग्रेस महासचिव सोनभद्र में हुई हत्याकांड के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए निकली थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद प्रियंका 20 सड़क पर धरने पर बैठ गई। घंटों तक सियासी ड्रामा चलता रहा। देखिए पूरी रिपोर्ट। सोनभद्र हत्याकांड पर सियासी संग्राम, प्रियंका गांधी की धरने वाली राजनीति, सोनभद्र कांड विपक्ष के लिए संजीवनी, सरकार को घेरने में जुटा समूचा विपक्ष। यूपी में बुधवार को हुए सोनभद्र कांड में विपक्ष को नई संजीवनी दे दी है। मुर्दा पड़े विपक्ष में जान आ चुका है, जो सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक एक्टिव हो चुका है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा है। हाशिए पर चल रही कांग्रेस भी सोनभद्र कांड के बाद राजनीति में एक्टिव हो गई है, जिसकी पानगी शुक्रवार को प्रियंका गांधी की सियासत से दिखी। सोनभद्र हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में नई गर्माहट आ गई है। सोनभद्र में पीड़ित परिवार से मिलने से रोके जाने पर प्रियंका गांधी नारायणपुर में धरने पर बैठ गई। प्रियंका गांधी ने कहा, हम बस पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, फिर भी प्रशासन हमें वहां जाने नहीं दे रहा है। सरकार बताए कि हमें आखिर रोका क्यों जा रहा है। ऊपर से फोन आया कि आपको रोका गया है, तो फिर मैं बैठी हूँ कि मुझे कुछ दिखा तो दे, कुछ ऑर्डर दिखा दे, कानून क्या है, किस कानून के आधार पर मुझे रोका है। मैं कह रही हूँ कि मैं 4 लोग लेके जाऊंगी, 4 से ज्यादा जाएंगे भी नहीं, मुझे सिर्फ उन परिवारों से मिलना है जो पीड़ित हैं, जिनके सदस्यों को निर्मम हत्या की गई है। अभी अस्पताल से आ रहे हैं, आप देख रहे हैं मेरे बच्चे की उम्र का बच्चा लेटा हुआ है, उसको गोली लगी। मैं सिर्फ उन परिवारों से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, अगर नहीं जाने देना चाहते तो कम से कम मुझे कानूनी आधार तो दें कि किस लिए नहीं जा सकती मैं। मुझे बनारस से मिर्जापुर जाने के से रोका है, तो किस आधार पर रोका, यही पूछ रही हूँ मैं। प्रियंका के धरने पर बैठने के बाद सियासी पारा और चढ़ गया। धरने पर बैठी प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद प्रियंका गांधी को SDM की गाड़ी से चुनार गेस्ट हाउस ले जाया गया। इस दौरान मीडिया के सवाल पूछे जाने पर कांग्रेस महासचिव ने कहा, मुझे नहीं पता कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन वो जहां ले जाएंगे हम जाने को तैयार हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। मैं कुछ भी कर लें हम नहीं झुकेंगे, हम यहां पे सिर्फ शांतिपूर्वक परिवारों से मिलने आए। आगे के लिए क्या रणनीति रहेगी आप लोग? देखते हैं आगे क्या होता है। कहां ले जा रहे हैं आप लोग? पता नहीं मुझे, जहां भी ले जा रहे हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी वाराणसी के ट्रामा सेंटर पहुंची, जहां सोनभद्र के घटना में घायल लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सोनभद्र के घायल परिजनों से प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। इस बीच सोनभद्र की घटना वाले इलाके में धारा 144 लगा दी गई।
प्रियंका गांधी जी आई थी जो है और पूछने लगी कि इलाज चल रहा है, यहाँ इलाज सही ढंग से चल रहा है। कुछ बताया आप लोगों ने घटना के बारे में, क्या हुआ था वहाँ पर? घटना के बारे में कैसे गोली चली थी, हुआ कि आदिवासी गुंड लोग जो है 50-60 साल से काबिज हैं, अपना जोर कोर कर रहे हैं और पहले से भी थे। इसके बाद जो है एकाएक विरोधी पार्टी जो है प्रधान जी आए, अपना जो है वो लगे जो है लाठी डंडा गोली चलाने लगे, छर्रा गोली वही छर्रा लगी लोगों। वहीं प्रियंका के सोनभद्र दौरे को लेकर बीजेपी भी पलटवार किया। सूबे के दोनों डिप्टी सीएम ने प्रियंका गांधी के सोनभद्र दौरे को सियासी बताया। केशव मौर्य ने सूबे की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बताते हुए प्रियंका गांधी को कर्नाटक के मुद्दे पर ध्यान देने की नसीहत दी। वहीं दिनेश शर्मा ने निजी स्वार्थ की सियासत बता दी। सोनभद्र की घटना अत्यधिक दुखदायी है, उसमें बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हो चुकी है, मुख्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हो चुका है। इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए सरकार लगातार उपाय किया और इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई किया है। वह अभी एक भूमाफिया की श्रेणी का व्यक्ति था और उसके खिलाफ इतना कठोर कदम उठाया गया है। प्रियंका जी को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कर्नाटक में जो हो रहा है उस पर ध्यान दें, उत्तर प्रदेश में सब अच्छा चल रहा है। सरकार ने सबसे आग्रह करके रखा था कि इस प्रकार की कोई जब तक शांति व्यवस्था ना हो कोई वहाँ पर उसको भंग करने की कोशिश ना करे, और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से किसी भी राजनेता का वहाँ जाना उचित नहीं है, उनको अपने बारे में स्वयं सोचना चाहिए। बहरहाल सोनभद्र गोलीकांड के पीड़ितों पर यूपी में सियासी जंग छिड़ गई है। सदन से लेकर सड़क तक सपा कांग्रेस और बसपा हमलावर है। सियासी जंग कहां जाकर थमेगी कोई नहीं जानता, लेकिन यूपी में होने वाले 12 सीटों के उपचुनाव से पहले सोनभद्र की घटना ने विरोधियों को सरकार से लड़ने और अपनी सियासी जड़ को मजबूत करने के लिए नई संजीवनी जरूर दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद शुक्रवार को देर शाम स्वतंत्र देव सिंह लखनऊ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि योगी सरकार में परिवहन मंत्री रहे स्वतंत्र देव सिंह को यूपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को अपना पदभार ग्रहण किया। यूपी के अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमौसी से भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक सड़क के दोनों तरफ होर्डिंग और बैनर से उनके स्वागत के लिए पूरे तौर पर पाट दिया गया था। एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नए प्रदेश अध्यक्ष का जमकर स्वागत किया, उनके नारे भी लगाए और नेताओं ने उन्हें बधाई भी दी। भाजपा के प्रदेश कार्यालय के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ रही, उनका ढोल नगाड़ों के साथ अगवानी की गई। नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे और उन लोगों ने उनका स्वागत भी किया। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भाजपा में सबसे बड़े सूबे की जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे में उनके जिम्मे संगठन और सरकार के बीच समन्वय के साथ ही चुनौतियों से निपटना होगा। हालांकि भाजपा के नेता स्वतंत्र देव सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने से उत्साहित भाजपा के लोग ये कहते हैं कि सभी चीजों को ठीक ढंग से कर लिया जाएगा, और खुद स्वतंत्र देव सिंह ने माना है कि जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा। स्वतंत्र देव सिंह के भाजपा यूपी की कमान संभाल लेने के बाद पार्टी में नए जोश के साथ आगे बढ़ने के लिए अब लोग संकल्पित हैं। यूपी हर मोर्चे पर नया जीत हासिल करेगा, ये भाजपा के सभी नेताओं को उम्मीद भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बीजेपी ने स्वतंत्र देव सिंह पर ऐसे ही दांव नहीं लगाया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाद स्वतंत्र देव सिंह ही पिछड़ों के बड़े चेहरे में शुमार हैं। चुनाव चाहे लोकसभा का रहा हो या विधानसभा का, विरोधियों को मात देने में पर्दे के पीछे स्वतंत्र देव सिंह की भूमिका अहम रही है।
पार्टी ने स्वतंत्र देव सिंह को यूपी की कमान देकर विरोधियों के खिलाफ बड़ा दांव चला है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान अब बीजेपी के सबसे अनुभवी कद्दावर नेता स्वतंत्र देव सिंह के हाथ में है। बीजेपी की तैयारी 2022 के विधानसभा चुनाव और सितंबर में होने वाले उपचुनाव की है, जिसके लिए पार्टी ने स्वतंत्र देव सिंह पर दांव लगाया है। लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके गढ़ में शिकस्त देने के पीछे स्वतंत्र देव का ही दिमाग था। इस कामयाबी से स्वतंत्र देव सिंह संगठन और पार्टी में बहुत मजबूत होकर उभरे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाद स्वतंत्र देव ही यूपी बीजेपी के पिछड़े वर्ग के चेहरे में शुमार हैं। 2017 में पार्टी ने मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ा और जोरदार जीत हासिल की। स्वतंत्र देव सिंह यूपी के कुर्मी नेताओं में प्रमुख माने जाते हैं। यूपी में 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के साथ 2022 में विधानसभा चुनाव का रण है, जिसको फतह करने की जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह के कंधों पर आ चुकी है। स्वतंत्र देव सिंह 1986 में आरएसएस से जुड़कर संघ प्रचारक के रूप में काम किया। इसके बाद 1988-89 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रहे। 1991 में बीजेपी कानपुर के युवा शाखा मोर्चा के प्रभारी बने। 1994 में बुंदेलखंड के युवा मोर्चा प्रभारी के रूप में राजनीति में कदम रखा। पार्टी ने 1996 में युवा मोर्चा का महामंत्री नियुक्त किया। 1998 में दोबारा बीजेपी प्रदेश युवा मोर्चा का महामंत्री बनाया गया। 2001 में बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। स्वतंत्र देव सिंह ने पहला विधानसभा चुनाव 2012 में लड़ा। उरई के कल्पी सीट से चुनावी मैदान में उतरे, किंतु जीत नहीं मिल सकी। इसके बाद भी उन्हें बीजेपी ने MLC बनाया। 2014 में हुए आम चुनाव में स्वतंत्र देव सिंह काफी महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में होने वाली रैलियों की पूरी तैयारी उन्हें दे दी। यहीं से वह पीएम मोदी और अमित शाह के करीब आ गए। बुंदेलखंड में मजबूत पकड़ के चलते 19 में से अधिकतर सीटों पर टिकट उनकी सलाह पर ही दिए गए। बीजेपी ने यहां से सभी 19 सीटों पर जीत दर्ज की, जिससे उनका सियासी कद और बड़ा हुआ। संगठन के कामों में स्वतंत्र देव सिंह की मजबूत पकड़ मानी जाती है। सदस्यता अभियान हो या 2017 विधानसभा चुनाव में मोदी रैलियों की व्यवस्था को देखना, सब स्वतंत्र देव सिंह के जिम्मे रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में भी उनकी सलाह सबसे अहम रहती थी। पार्टी ने ज्यादातर सीटों पर चुनाव जीता। 2017 विधानसभा चुनाव में भी उनकी भूमिका काफी अहम रही। उनका नाम मुख्यमंत्री पद के दावेदार में भी रहा। स्वतंत्र देव सिंह की नई चुनौतियां भी कम नहीं हैं। 12 सीटों पर उपचुनाव जिताने की चुनौती, पूर्वांचल में हारी हुई सीटों पर बीजेपी को मजबूत करना, बूथ स्तर पर पार्टी और कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, पूर्वांचल से बेस्ट यूपी तक जाति समीकरण को साधना, पार्टी के लिए जनाधार बढ़ाना, कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बैठाना और 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार करना, केंद्र और राज्य की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में मदद करना जैसी चुनौतियों से उन्हें निपटना होगा। नए अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश में भाजपा की उन आकांक्षाओं पर खरा उतरना है जो 2022 के फतह का मूल मंत्र बने। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सियासत में बात अब मायावती की। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भाई और पार्टी के उपाध्यक्ष आनंद कुमार पर आयकर विभाग की कार्रवाई से मायावती नाराज हैं। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए मोदी सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप। भाई पर कार्रवाई से बौखलाई माया ने निकाली बीजेपी पर खींच। आयकर विभाग के एक्शन से नाराज, गरीबों के वोट खरीद, बीजेपी सत्ता में बैठी, आरक्षण खत्म करने की साजिश।
माया के भाई आनंद कुमार पर आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद सियासत गर्मा गई है। कार्रवाई के अगले दिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। आयकर विभाग की कार्रवाई की खींच मायावती ने बीजेपी पर निकाली। मायावती ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति बीजेपी वालों के खातों में गई है, उसी पैसे से गरीबों के वोट खरीद कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कंपनी के लोगों की ये दूसरी केंद्र में सरकार है। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब से ये पावर में आए हैं तो पूरे देश में इन्होंने पार्टी के नाम से अरबों खरबों की संपत्ति दफ्तर के लिए खरीदी है, वो पैसा कहाँ से आया है उसका भी खुलासा होना चाहिए। ये क्या बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है? मायावती ने बीजेपी की संपत्ति पर बड़े सवाल खड़े किए। मायावती ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को वंचित लोगों के आगे बढ़ने से तकलीफ होती है और बीजेपी उनसे अपनी जातिवादी द्वेष निकालती है। मायावती ने भरोसा दिया कि दलित आदिवासी को इनसे घबराना नहीं चाहिए, अगर किसी के साथ भी ज्यादती होगी तो बीएसपी पीछे नहीं हटेगी और उन्हें इंसाफ दिलाएगी। बहन जी को नहीं बख्श रहे तो हमें कैसे बख्शेंगे, और वो घबरा कर अपने घर में बैठ जाए ऐसा नहीं, उनकी बहन जी उनके साथ खड़ी है। यदि किसी और के साथ भी इस किस्म की जाति होगी तो हमारी पार्टी पीछे नहीं हटेगी और उनके लिए उनको इंसाफ दिलाने के लिए पूरी आवाज उठाएगी। आनंद कुमार पर कार्रवाई से भड़की मायावती ने बीजेपी के साथ आरएसएस पर भी निशाना साधा। मायावती ने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया। बीएसपी अध्यक्ष ने रेलवे में अपने अन्य विभागों को निजी हाथों में देने के बीजेपी के फैसले पर अपनी खींच निकाली। मायावती ने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में दी गई है, बीजेपी निजीकरण के जरिए उसे खत्म करने में लगी हुई है। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश में दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की व्यवस्था की है, दी है, तो उसे अब ये लोग प्राइवेट सेक्टर के जरिए, निजीकरण के जरिए, क्योंकि यहाँ पर इन वर्गों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उसके जरिए इसको ये खत्म करने में लगे हैं। बता दें कि आयकर विभाग में मायावती के भाई और पार्टी उपाध्यक्ष आनंद कुमार के एक बेनामी प्लॉट को जब्त किया है। ये प्लॉट राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में है। आयकर विभाग आनंद कुमार की संपत्ति की जाँच कर रहा है। जांच में नोएडा में 28,328 स्क्वायर मीटर के बेनामी प्लॉट का खुलासा हुआ है। 7 एकड़ में फैले इस प्लॉट की कीमत करीब 400 करोड़ रुपए है। बेनामी प्लॉट को जब्त करने का आदेश 16 जुलाई को बीपीयू ने जारी किया था, जिसके बाद 18 जुलाई को आयकर विभाग ने प्लॉट को जब्त कर लिया। यूपी में बीएसपी का जनाधार लगातार घट रहा है, ऐसे में माया का बीजेपी पर पलटवार राजनीतिक रस्म अदायगी भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो आज की हुकूमत में बस इतना ही। आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार। सत्ता के लिए विपक्ष का नया राग। सड़क तक संग्राम, सरकार विपक्ष में वार पलटवार। सोनभद्र